अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एशियन फ्लैश टंकी के बारे में सिखाएंगे, इसे कैसे जोड़ना है और ये कैसे यूज़ होती है। तो हमारे पास जो फ्लैश टंकी है ये वाइट कलर में है, आप ये देख सकते हैं। इसमें पांच कलर आते हैं, वाइट, ब्लू, पिंक, एवरी और ग्रीन। ये मशरूम के हिसाब पर डिपेंड करती है आपको मशरूम में कौन सी टाइल लगी हुई है और आपको कौन सा कलर अवेलेबल है। तो ये मेड इन यूएसए यूएई की है, इसमें पांच कलर है। हमको वाइट चाहिए था इसलिए हम वाइट लेके आए हैं। हम इसको ओपन कर रहे हैं। ये हमारे पास एशियन फ्लैश टंकी है, ये उसके पाइप हैं जो दीवार के पास, दीवार से हम इसे जब कनेक्ट कर देंगे तो ये नीचे लगते हैं। ये साथ इसकी कुछ फिटिंग है जिसके बारे में अभी हम आपको गाइड करते हैं। सबसे पहले तो ये एक स्टॉपर है जिसे ये एक्स्ट्रा होल पे हम लगाएंगे। दोनों तरफ होल होते हैं, जिस तरफ आपका पॉइंट है दीवार में उस तरफ आप इसका फ्लूड वॉल कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको मैं अभी आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। और एक्स्ट्रा जो होल आपके पास अवेलेबल होगा उसको आप बंद कर सकते हैं। बस इसका सिंपल है, बस रख के आपने हल्का सा प्रेस करना है तो ये आपका होल बंद हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फ्लूड वॉल की तरफ। तो इसके दो होल होते हैं, जिस तरफ का आपको चाहिए उस तरफ आप फ्लूड वाल इसका कनेक्ट कर सकते हैं। हमको इस तरफ चाहिए तो हम इसके लेफ्ट हैंड पे लगाते हैं। ये आपका फ्लूड वाल लग गया। इसके बाद यहाँ पे हम एक छोटी सी वाशर रखेंगे जो कि इन्होंने दी होती है, रबर की है। अब हम इस होल में इसे लगाएंगे। इसके साथ दो नट है, एक बड़े वाला होता है, ये इसका कंट्रोल सिस्टम, वो भी आपको हम दिखाते हैं। एक छोटे वाला है जिसको हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे। और ये प्लास्टिक होती है, इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बस तकरीबन हाथ से टाइट कर दें, क्योंकि पीछे जो आपका कनेक्शन पाइप लगेगा मेन आपको वो चीज़ होती है जिससे पानी की इनकमिंग आउटगोइंग होती है। बस ये हल्का सा हमने टाइट कर दिया। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास पानी कहाँ तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये इसे ऊपर नहीं आ रहा, इसकी एडजस्टिंग के लिए ये बीच में इन्होंने नट दिया होता है जिसे हम थोड़ा लूज कर देंगे ताकि फ्लूड वाला हमारा ये जो है ये ऊपर आ सके, और यहाँ तक हमें पानी चाहिए थोड़ा सा इसे कम कर देते हैं। बस इसकी एडजस्टिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई। इसके बाद हम लगाएंगे सैफल जो कि इस तरह का कुछ दिखाई देगा आपको। इसमें एक रबर की वाशर आएगी, गोल सी रिंग बना होगा जिसे आपने यहाँ पे लगा देना है कुछ इस तरह का, और फिर ये आप इसके इनसाइड होल में देंगे, यहाँ पे रखेंगे। होल आपको दिया गया है, आपने इसे यहाँ से पकड़ना है और फ्लैश टंकी को उल्टा कर देना है। इसी के साथ आपको एक नट अवेलेबल होगा, ये नट आपने यहाँ पे टाइट कर देना है, लेकिन ये ख्याल रखना कि ये नट ज्यादा टाइट ना हो। बस ये मैक्सिमम आप अपने हाथों से टाइट कर दें तो लीकेज नहीं होती है। ये यहाँ पे आपकी आ गई फ्लैश टंकी। इसके बाद हम इसका ये कंट्रोल सिस्टम इसमें एडजस्ट करेंगे, जिसकी ये थ्रेड होगी ये बाहर से लगेगा
और ये जैसे एंट्री होगी इसके अंदर जाएगा फ्लश टंकी के, आपने ये नट इसके अंदर डाल देना है और ये यहाँ सैफन के अंदर आ जाएगा। ये आपकी थ्रेड अंदर चली गई, यहाँ पे आप इसको नट को एडजस्ट कर दें। बस ये हाथ से ही आप थोड़ा सा इसको टाइट कर दें, बाहर तो ये भागेगा नहीं, ये जस्ट फ्लश करने के काम आएगा। जब आप पानी को फ्लश करेंगे बस ये यहाँ पे हो गया खत्म। इसके बाद हम इसकी फ्लशिंग के लिए लगाएंगे, हमारे पास डोरी अवेलेबल है। ये डोरी है, इसका होल होता है, हम इस होल में ये डोरी डालेंगे। यहाँ पे छोटी सी गिरा लगा देंगे, दो गिरा लगा दें जिस तरह की आप खुद लगाना पसंद करते हैं, मैं तो कुछ इस तरह लगा रहा हूँ। बस गिरा लगाने का मकसद यह है कि डोरी दूसरी तरफ से बाहर ना जाए, इसी में अटकी रहे। और इसका जो दूसरा सिरा है वो हम इस होल में डाल देंगे, ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको दो छोटी छोटी गिरा लगा देनी है। यहां तक आपकी फ्लैश टंकी तैयार है, ये आपका पानी फ्लैश करने के काम आएगा। अब इसकी डाउन साइड हम आ जाते हैं, जो हमारे पास ये अवेलेबल है जिसके नीचे हम ये पाइप लगाएंगे। इसके साथ भी एक वाशर होती है, ये वाशर आपने यहां पे रखनी है और इसको आपने यहां पे टास्क करना है, टच कर देंगे। उसके बाद ये बड़े वाला जो नट है ये हम इसको लगाएंगे कुछ इस तरह करके। जब इसे लास्ट पे आप टाइट करें तो ये बात ध्यान में रखिए कि इसे एक बार अंदर से लाजमी पकड़ना है, ताकि ये अंदर से घूम ना जाए, लूज ना हो, ताकि आपका पानी बाद में लीकेज होने का खतरा खत्म हो जाए। अंदर से पकड़ के इसको टाइट कर दें हाथ से ही, ये ज्यादा टाइट नहीं करना, नट टूटने का खतरा है और आपको ये दोबारा अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में। तो इस तरह ये हमारी फ्लैश टंकी तैयार हो गई है, जिसके ऊपर ये बाद में ढकना हम रख देंगे। अब ये हम आपको दीवार में लगा के दिखा देते हैं। तो जी नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि फ्लैश टंकी को कैसे जोड़ना है, आज हमको ये बता रहे हैं कि इसे दीवार पे कैसे फिक्स किया जा रहा है। जी हमने हिल्टी की मदद से सुराख किए थे, इसमें हमने फिशर लगाए हैं 6 मिली। अभी हम इसे फिक्स कर रहे हैं दीवार पे। अभी हम इसके पाइप लगाएंगे जो कि इसी के अंदर अवेलेबल होते हैं हमारे पास। ये हाफ एल्बो है हमारे पास, जो हम ये पाइप बिल्कुल दीवार के साथ टच हो जाएगा, तो इसके लिए हमें एक शॉर्ट पीस दरमियान में चाहिए। ये हमारे पास एक पीस है कॉलर वाला, जिसे हम यहाँ पे कटाइश करके तो काट लेंगे, फिर हम इसे एडजस्ट कर देंगे।
तो ये तो रेडी हो गया। अभी हम इसमें पानी के कनेक्शन के लिए, हम यहाँ पे रबर का कनेक्शन, ये कनेक्शन 5 हम रेडी करेंगे इसके लिए। बस कनेक्शन पाइप के अंदर ये ऑलरेडी रबर की वॉशर होती है, बस आपको जस्ट नट टाइट करना होता है। बस तकरीबन ये आप अपने हाथों से टाइट कीजिए, अगर तो पानी लीक है तो फिर आप जो है थोड़ा एडजस्टेबल से आपके पास जो भी अवेलेबल है स्लाइड एंड जो भी है उससे आप कर सकते हैं। हम पानी खोल के चेक करते हैं। तो अब हमारा पानी इसमें फुल हो चुका है, अभी इसे फ्लैश करके चेक करते हैं। फिलहाल तो कोई लीकेज वगैरह नहीं है, उसके बाद हम इसमें ढकना प्रॉपरली फिक्स करेंगे। तो जी हमारी फ्लैश टंकी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसमें ढकना लगाते हैं। इसमें ये 5 नाक होते हैं, ये 3 एक साइड पे, 2 एक साइड पे, ये 2 बैक पे जाएंगे और 3 ये फ्रंट की तरफ, और ये फ्लैश टंकी के अंदर ही जाना चाहिए, ये बाहर की तरफ ना हो। Gracias.